हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैनेज क्लासेस। आज एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक जो है आज का बहुत अच्छा है। G20 कहते हैं या G8, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि G8 सम्मेलन हो रहा है या G20 के बारे में सुनते रहते हैं आप, उसी को लेके थोड़ी बात करनी थी हम आपसे। एक्चुअली जो ये टॉपिक हम कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट कौन सा है। इसे मिसलेनियस भी कह सकता हूँ, इसे IR भी कह सकता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं मतलब। और मैं अगर कोई पूछे कि मैं क्या कहूँगा, मैं उसको GK कहता हूँ, जनरल नॉलेज। GS अलग चीज़ होती है, ये GK है। इसमें सब चीज़ों का एक तरह से ना मतलब घोल टाइप कह सकता हूँ मैं इसको। तो उसी को बढ़ाते हैं, और थोड़ा प्लीज़ आप ढंग से पढ़ते रहें, देखते हैं आगे क्या होता है। तो टॉपिक है G8। G8 का मतलब ग्रुप 8 है, 8 देशों का समूह है जो विकसित देश हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बड़ी तोप बन गए हैं। तो वो आपस में इकट्ठे हुए हैं कि और वो अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने स्थापना करी थी। नाम था उसका G8। लेकिन शुरुआत कैसे होती है इसकी, जब शुरुआत होती है वो G6 की तरह, G6 कह सकता हूँ हिंदी में, लेकिन क्या बोलूँगा इसको मैं, G6। तो G8 वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1975 एज G6। 6 देश थे, 6 देशों ने मिलकर इसको बनाया था और नाम रखा G6। अभी बात आती है कि 6 देश जो थे वो कौन कौन से थे, है ना। देखो, जो पहला था उसको हम बोलते हैं फ्रांस कहते हैं। फ्रांस यूरोप में पड़ता है, राजधानी है उसकी पेरिस। उसके बाद से इटली है, इटली जो है वो भी यूरोप में पड़ता है ना, उसकी राजधानी है रोम। और इन्हीं के पास एक कंट्री पड़ता है जहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, नाम है उसका जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और उसके बाद से आप पता है कि US आ जाता है, US यानी कि USA। और जापान आता है, जापान हमारा पता है कि एशिया से आता है। और एक जो बचा वो है UK। तो इन 6 देशों ने मिलकर बनाया था G6 को, है ना। एक बार फिर देख लेते हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, USA, जापान और UK। ओके गाइज, तो 6 ने मिलकर बनाया G6। उसके बाद क्या होता है कि US के ऊपर एक कंट्री पड़ता है, नाम है उसका कनाडा। नाम है कनाडा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में 1976 में, उसी के एक साल बाद ये इसमें ऐड हो जाता है, इसको ज्वाइन कर लेता है। और ये पूरा ग्रुप जो G6 बना था वो बन जाता है G7। क्या बनता है वो, G7 बन जाता है, जो उसमें कनाडा ऐड हो जाता है। कब की बात है, 1976 की। फोकस कहाँ रखना है, एक तो फोकस यहाँ पे रखना है कि 1975 में ये बना था G6 की तरह, और एक साल बाद में कनाडा ऐड हो जाता है, बन जाता है G7। सारे के सारे विकसित देश आते हैं इसमें। एशिया से एकमात्र विकसित देश है इस ग्रुप में जो है, उसका नाम है वो जापान है। उसके बाद क्या होता है कि रशिया, हालांकि अमेरिका के और रशिया के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो बाकी देश थे वो बोले कि रशिया को भी इसमें शामिल करना ज़रूरी है। इसलिए क्या होता है कि कुछ सालों बाद 1998 में, 1998 में इसमें रशिया यानी कि रूस भी सम्मिलित हो जाता है, और ये पूरा ग्रुप क्या बन जाता है, G8, जिसको आज हम G8 ही कहते हैं। तो ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं G8। अब बहुत इजी हो जाएगा यहाँ से इसको याद करना, G8 के अगर मेंबर पूछेगा तो कैसे इसको हम आंसर दे सकते हैं। देखो, आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रिक नहीं होती है, वो निमोनिक्स होता है। आप किसी भी तरह से इसको आप याद करना बस, है ना। तो फिग उजू कुछ भी कह दो आप, फ्रांस, फ्रांस, इटली, जापान और USA और जर्मनी और UK, इन सबको मिला के क्या बनता था, G6 था। फिर कनाडा आता है, कनाडा के बाद में कौन सा आता है, ये रशिया आता है। तो पूरे 8 हो गए यहाँ से गाइस। उसके बाद क्या होता है कि 2014 में एक नया काम होता है। नया काम क्या होता है कि रशिया, रूस क्या करता है, एक कंट्री पड़ता है यूरोप में ही, नाम है उसका यूक्रेन की वजह से क्या करेगा वो, यूक्रेन का एक हिस्सा था उसका नाम था क्रीमिया पर अधिकार कर लेता है। तो क्रीमिया पर अधिकार करने के कारण बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है, और उस इशू की वजह से ही रशिया को इस ग्रुप से सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है उसको, सस्पेंड, यानी जो ये ग्रुप हमारा G8 था वो दोबारा से क्या बन जाता है, अगेन वो G7 बन जाता है, यानी कि आज वो G7 के नाम से ही जाना जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो रशिया है उसका कैसा मेंबर है, वो सस्पेंडेड मेंबर है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रशिया जो है वो मेंबर है, नहीं है, मेंबर तो है लेकिन कैसा है, सस्पेंडेड मेंबर है, यानी कि अब वो G8 से क्या बन गया, दोबारा से G7 बन गया है। तो एक तो ये इसके बारे में था थोड़ा सा। क्वेश्चन कहाँ से आता है, समिट से आता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, सम्मेलन, कि जो G8 ये आप ग्रुप है एक तरह का, 8 देशों का जो विकसित देश हैं, जिसका रशिया एक सस्पेंडेड मेंबर है, जिसको हम G7 आज कह सकता हूँ मैं, उसके सम्मेलन कहाँ कहाँ होते हैं।
तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, बहुत इजी हो जाएगा कि जो 2017 यानी 2017 यानी कि लास्ट ईयर में जो इसका समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो ताऊर मीना जगह पड़ती है। ताऊर मीना, अब ये दिमाग में आता कि ताऊर मीना कहाँ है, तो ताऊर मीना ये सामने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ताऊर मीना इटली में पड़ता है। ताऊर मीना क्या पड़ता है, इटली में पड़ता है। इटली का एक शहर है ताऊर मीना, वहां पर इसका 43वां सम्मेलन हुआ था G8 का। ध्यान रखना प्लीज, यहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा कई बार, लास्ट ईयर पीसेस में भी आया था कि G8 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताऊर मीना इटली, ताऊर मीना इटली। और ये इस साल जो 2018 का है, इस बार जो सम्मेलन होने वाला, इसका जो होगा मतलब समिट, वो क्यूबेक, एक स्थान पड़ता है क्यूबेक, और ये जो प्लेस है ये कहाँ है, कैनेडा में है। कैनेडा, कैनेडा हमारा नॉर्थ अमेरिका यानी कि जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है उसका एक देश पड़ता है खूबसूरत सा। और अभी बताऊंगा आपको कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वहाँ के जो PM है वो यहाँ पे आए हुए थे, है ना। तो क्यूबेक कहाँ पड़ता है, कैनेडा में। प्लीज इस पर आप फोकस रखना कि 2018 का कहाँ पर होगा ये, क्यूबेक मतलब कैनेडा में होने वाला है। तो ये देखा हमने, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा एक दो बार आप देख लेना। मैं थोड़ा सा बता रहा था कि फोकस रखना सम्मेलन पर, थोड़ा समिट पर, और ये कहानी कैसे बढ़ती है। देखो ये G7 या G8 इतना बड़ा अपने आप में विकसित देशों का समूह है कि विश्व की जो 40% GDP है, 46% ऑफ GDP जो है वो इन्हीं के अंडर में आती है, यानी कि इनकी GDP अगर मैं ऐड कर दूंगा तो विश्व का लगभग 40% GDP वो होती है ना। तो अपने आप में आप यू नो आइडिया लगा सकते हो कि ये 8 के 8 हैं और लगभग आधी GDP जो है वो इन्हीं के अंदर है, है ना। तो एक बात और देखते हैं कि जब G8 बना तो G8 ने क्या किया, अब इन्होंने अपने आप को बढ़ाना शुरू किया, मेंबर तो नहीं बनाए नए, लेकिन मेंबर तो नहीं बनाए, लेकिन क्या रखा कि अपनी पहुंच को थोड़ा बढ़ा दिया है। तो कुछ 5 देश ऐसे हैं जो इनको उनको बुलाया जाता है जब इसकी मीटिंग वगैरह होती है, है ना, एज अ गेस्ट की तरह। तो उसे कहते हैं आउटरीच, आउटरीच मेंबर, आउटरीच कंट्रीज टू G7। यही कह दो कि फ्यूचर में इनके मेंबर बनने के चांस हो जाएंगे, एक तरह से ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं, ऑब्जर्वर की तरह, है ना। तो इंडिया उसका हिस्सा है, इसलिए पढ़ना थोड़ा जरूरी है। तो वो कौन कौन सी कंट्री हैं जहाँ तक G7 की पहुँच है, या G8 भी कह सकता हूँ मैं इसको, G7 कहो या G8 कहो, G7 कहोगे तो उसमें रशिया नहीं है, G8 कहोगे तो रशिया को उसका सस्पेंडेड मेंबर फिर भी मान के उसको माना जाता कि वो G8 ही है। देखते हैं इसको हम, एक्चुअली क्या था ना कि आउटरीच कंट्री 5 हैं। देखो अगर मैं इनके सबके जितने भी हैं अगर उनके लोकेशन के हिसाब से लिखूँ यहाँ, तो ये कनाडा ऊपर होता है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, कनाडा के नीचे जाओगे थोड़ा सा यहाँ तो USA आएगा, USA के नीचे जाओगे एक कंट्री पड़ती है मेक्सिको, एक कंट्री है मेक्सिको, और मेक्सिको हमारा इसका क्या है, एक पहली आउटरीच कंट्री है जिसको बुलाया जाता है। मेक्सिको के नीचे आएंगे थोड़ा सा हम तो एक नया महाद्वीप शुरू होता, नाम है उसका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका आएगा। साउथ अमेरिका में नीचे जाएंगे तो यहाँ साउथ अमेरिका में ही एक कंट्री पड़ता, नाम है उसका ब्राज़ील, कौन सा पड़ता है, ब्राज़ील पड़ जाता है। तो दो आउटरीच कंट्री देखे हमने, एक तो है क्या मेक्सिको, और एक कौन सा देखा है, ब्राज़ील देखा है। उसके बाद हम कहाँ पाएंगे, यूरोप में आएंगे। यूरोप में जब जाएंगे तो यूरोप में क्या होता है कि इधर जो है वो UK पड़ जाता है, UK पड़ेगा, UK के नीचे आएंगे थोड़ा सा तो UK के नीचे फ्रांस आ जाता है, कौन सा आता है, फ्रांस आता है। और फ्रांस के इधर जाएंगे थोड़ा सा तो वहाँ कौन सा आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस के इधर कौन सा आता है, जर्मनी आता है। और UK हुआ, फ्रांस हुआ, ये हुआ जर्मनी, और ये पूरा यूरोप है, ये कौन सा था, पूरा यूरोप। और यूरोप में, अच्छा यूरोप में थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ फ्रांस के नीचे थोड़ा सा वहाँ इटली पड़ जाता है, कौन सा पड़ता है, इटली, ये इसके मेंबर चल रहे हैं अभी। और इटली के नीचे एक नया महाद्वीप आता है, स्पेन के नीचे एक नया महाद्वीप है, जब भूमध्य सागर को हम क्रॉस कर जाएंगे नीचे आता है अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा आता है, अफ्रीका, उसमें नीचे पहुँच जाओ आप, नीचे जाओगे ना यहाँ जाके बिल्कुल, तो उसमें एक देश आता है, नाम है उसका साउथ अफ्रीका, कौन सा आता है वो, साउथ अफ्रीका आता है। तो ये भी क्या है उसका, ये भी क्या होगा उसका, ये भी उसका एक तरह से आउटरीच कंट्री है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब जाएंगे हम इधर एशिया में, कहाँ जाएंगे हम इसके, इधर जाएंगे एशिया में, तो एशिया में पड़ेगा यहाँ पर, एशिया में चाइना पड़ता है, एशिया में पड़ता है चाइना, एशिया में चाइना पड़ जाएगा। और चाइना के नीचे जाओगे ना बिल्कुल तो वहाँ इंडिया पड़ जाता है, इंडिया पड़ जाता है। तो ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं सारे, ये इसके आउटरीच कंट्री हैं, 5 हैं, यू नो, मेक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। अच्छा एक बात बताओ, हमने पढ़ा था ब्रिक्स, हमने पढ़ा था ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो रशिया तो इसका मेंबर था यहाँ G8 का, मान लेते हैं कि अभी मेंबर है वो, G8 का था, बस रशिया को हटा देना यहाँ से और M लगा देना इसमें, ब्रिक्स M, ब्रिक्स M, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और मेक्सिको।
तो ये पांच कंट्री हैं, ये मैंने ट्राई किया कि इनकी लोकेशन के हिसाब से आपको बता दूं इनको क्या क्या कहा जाता है कि G7 की पहुंच जिन कंट्रीज तक है वो कंट्री कौन कौन सी हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पांच कंट्री हैं, प्लीज़ इनको आप ध्यान रखना एक बार। तो ये एक टॉपिक पूरा पूरा हुआ, ये G7 पूरा हो जाता है। अच्छा, इसको मैं आउटरीच कंट्री को ये भी कह सकता हूँ कि G8 ग्रुप है और इसमें पांच कंट्री वाली हैं, है ना। तो टोटल हमने अब तक कितने कंट्री पढ़ लिए, इसमें 13 कंट्री वी हैव स्टडीड, है ना। तो ये देखा, उसी के बाद एक इसी से थोड़ा सा संबंधित है, मतलब थोड़ा मिलता जुलता है, G20 है, G20 या ग्रुप 20 कह सकता हूँ मैं इसको। ग्रुप 20 की कहानी शुरू करता हूँ, अलग बात है बिल्कुल, है ना, कोई संबंध नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ये 20 देशों ने बनाया है। कैसे बना, क्यों बना, इसकी बात देखते हैं हम। तो G20 की बात करूँ मैं आपसे, इसकी कहानी जो शुरू होती है वो 1997 से 98 में शुरू होती है। क्यों शुरू हुई, क्योंकि जो हमारा पूर्वी एशिया है, जो ईस्ट एशिया है, एशिया का जो पूर्वी भाग है ना, इधर जाएंगे हम चाइना, जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का जो रीजन है, जापान वापान जो पढ़ते हैं, ये मंगोलिया वगैरह, ये कहाँ पढ़ते हैं, ईस्ट एशिया में पढ़ते हैं। यहाँ क्या होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, एक आर्थिक मंदी आती है, आर्थिक तंगी आती है बहुत बड़ी, वो बहुत बुरा हाल था वहाँ पर। तो उसको टैकल करने के लिए क्या होता है, ये लोग मिलते हैं कि हो सकता है कि, क्योंकि आजकल जो है वो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, है ना, मतलब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। तो अगर एक कंट्री पर असर पड़ रहा है तो ये नहीं कि उसी पर असर पड़ेगा, आपस में हर कंट्री एक दूसरे से लिंक है, तो उसका असर हम पर भी पड़ने वाला है। इसी चीज़ को देखते हुए कि ये मंदी जो है ईस्ट एशिया से हम पे भी इसका असर पड़ेगा, उसको टैकल करने के लिए क्या होते हैं, ये लोग मिलते हैं। जो सेंट्रल बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक जो होता है किसी देश का, उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो जो उन सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे ना, वो आपस में मिलते हैं कि यार इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसको टैकल किस तरह किया जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाता, कुछ ज़्यादा बड़ा रिजल्ट निकलता नहीं है, है ना। जी वो 20 लोग मिले तो थे, लेकिन कुछ बड़ा सब्सटेंशियल चीज़ को सामने आ नहीं पाती है। फिर ये कुछ टाइम के लिए अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। सेम जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था ईस्ट एशिया में, इसी के जैसा क्या होता है कि सबको बताया कि 2008 में, है ना, 2008 में क्या हुआ था, US में मंदी आई थी बहुत बड़ी, US रिसेशन बहुत बड़ी मंदी थी। आपने न्यूज़ में सुना होगा कभी, या आपने जो बड़े हैं उनसे पूछना कि US में जो मंदी आई थी उसमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, कितने बैंक उसके बंद हो गए थे, कितनी कंपनियों ने जो उनके एम्प्लॉय थे उनको निकाल दिया था। तो फिर क्या होता है ना कि जब ये मंदी आती है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है, इसका असर जो था वो ईस्ट एशिया तक ही सीमित था लगभग, लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि इसका असर पूरे दुनिया पर पड़ता है। और इस चीज़ को लेकर क्या होता है कि जो 20 देशों के जो ये हेड थे, जो PM या प्रेसिडेंट वगैरह जो भी होंगे, वो लोग मिलते हैं कि भैया फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसको टैकल करना ज़रूरी है, है ना, और ये मंदी आई है तो क्यों आई है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो बस इसी चीज़ को लेकर क्या होता है कि ये 20 लोग मिलते हैं और एक चीज़ बनती है, उसको हम बोलते हैं G20। तो असली जो स्थापना हुई थी उसकी 2008 में हुई है, है ना, जो एक्चुअल में ये लोग इस्टेब्लिश होते हैं 2008 से इसकी कहानी हमारी शुरू होती है। हालांकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका था, तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। और ये मैंने बताया कि ये 2008 में किस तरह मिले, अमेरिका के में मंदी की वजह से मिलते हैं। और समिट का मतलब सम्मेलन, फिर दोबारा से जिस तरह से G7 के समिट मैंने बताया थे आपको कि कहाँ कहाँ हुए थे, ये क्यूबेक 2018 का याद रखना प्लीज़ आप। मैं बताना चाह रहा था कि समिट देखो इसके, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, G20 की बात कर रहा हूँ। तो दो पहला समिट कहाँ पर हुआ, जब ये मिले थे, अमेरिका की मंदी थी तो अमेरिका में ये मिले होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ पे मिलते हैं, पहला सम्मेलन होता है इसका 2017 में, अभी जो हाल ही में हुआ, जो लास्ट ईयर गया है। ये एक जगह पड़ती है हैम्बर्ग, जर्मनी में पड़ता है हैम्बर्ग, जर्मनी का हैम्बर्ग है, उसमें लोग मिलते हैं। ये सम्मेलन यहाँ से पूछा हुआ लास्ट ईयर कि ये जो G20 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, जर्मनी में हुआ, हैम्बर्ग में हुआ है। और गाइस ये 2018 का जो हुआ है ना, ये जो मतलब हुआ है या होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है, ब्यूनस आयर्स, एक जगह पड़ती है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना देश पड़ता है हमारा साउथ अमेरिका में। आपने सुना होगा नाम लियोन मेसी जो बहुत बड़े फुटबॉलर फुटबॉल प्लेयर हैं, तो वो कहाँ के हैं, वो अर्जेंटीना के ही हैं। तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, उसमें ये सम्मेलन होने वाला है G20 का। प्लीज़ आप इस यहाँ फोकस रखना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि G20 का सम्मेलन हैम्बर्ग में हो चुका है 17 वाला, और जो 18 वाला है वो ब्यूनस आयर्स में होगा इस साल। तो ये पूरा हमने पढ़ा G8, और किसके बारे में पढ़ा था, फिर ये G20 के बारे में पढ़ा है। अभी छोटी सी एक बात रहती है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, मैं बताने वाला था आपको किसके मेंबर, मतलब जो है ना G20 के मेंबर हैं। अब 20 के नाम आपको पता होना ज़रूरी है ना, अगर बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा
तो पूछ सकता है कि बताओ कौन सा मेंबर ऐसा है जो हमारा G20 में नहीं आता है। तो प्लीज आप इसको नोट करें, मैं यहाँ पे इसको उनके मेंबर के नाम लिख दे रहा हूँ आपके लिए। आइए गाइस, तो मैं बात करता हूँ आपसे मेंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और किसके मेंबर की बात करता हूँ, मैं G20 के मेंबर की बात करता हूँ। देखो मैं ये बताने वाला था आपसे कि G20 में क्या है कि यू नो 20 है टोटल, है ना, 20 है, 20 में से एक तो संस्था है, एक तो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है ईयू। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। तो एक तो संस्था है, नाम है उसका यूरोपियन यूनियन। यूरोप में एक बहुत बड़ी संस्था है जो वहाँ के लिए फाइनेंशियली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, राजनीतिक रूप से और यू नो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा वो वहाँ एक्टिव है, क्रियाशील है, क्रियान्वित है। उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं ईयू कहता हूँ। और जो 19 देश हैं इसमें, कौन से कंट्री पढ़ते हैं, 19 कंट्रीज हैं, 19 देश। देखो बहुत ईजी है, ईजी कैसे है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इतना, G8 मैंने बताया आपको, 8 के 8 आ जाएंगे वो, है ना, फ्रांस, इटली, जर्मनी, US, जापान, UK, और फिर बाद में कैनेडा आया, फिर बाद में रशिया आया, 8 तो जो हो गए थे। और 5 अभी बताए थे मैंने, आउटरीच कंट्री जो थे, बिग्स एम वाले, कौन से थे, बिग्स एम, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको। ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको। अब जो बचे, है ना, 8 और 5 यू नो 13 होते हैं, तो 7 बच जाते हैं हमें, है ना, और 7 में से एक ही हो गया है तो कितने बच जाते हैं, 6 बच जाते हैं। तो उसको देखो एक बार, जो कंट्री बचते हैं इसमें ना, जो 6 जो 6 कंट्री रह जाते हैं उनको बात देते हैं एक बार। एक कंट्री बढ़ता है एशिया में, बहुत बड़ा है, कल ओपेक के बारे में मैं पढ़ा रहा था आपको, ओपेक में उसका सबसे बड़ा कोटा है, सऊदी अरब कहते हैं उसको, सऊदी अरेबिया, तो पहला कंट्री तो यह आ जाता है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में जाओ आप, आशियान का मेंबर है वो, बहुत बड़ा देश है, इंडोनेशिया कहते हैं उसको हम, कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में बताया था कि यू नो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, आर्किपेलेगो है, आर्किपेलेगो। और उसके बाद जो है एक कंट्री पड़ता है इंडोनेशिया के थोड़ा ऊपर, चाइना के साइड में जाएंगे ना, चाइना के थोड़ा सा हम ईस्ट में जाएंगे, चाइना के थोड़ा ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पड़ता है साउथ कोरिया, कौन सा पड़ता है, साउथ कोरिया पड़ता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, इसका मेंबर जाएगा। उसके बाद क्या होता है ना, देखो ये सम्मेलन हुआ था इसका ब्यूनस आयर्स में, ये कहाँ है, अर्जेंटीना में है, तो अर्जेंटीना ऑब्वियसली बात इसका मेंबर होगा ही होगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना होगा। और टर्की, टर्की भी एक यूरोप में है, यूरोप और एशिया दोनों में आता है ना, कुछ पोर्शन उसका यूरोप में है, कुछ पोर्शन उसका यू नो एशिया में आता है, और काफ़ी ठीक ठाक सा कंट्री है टर्की, या तुर्की कहते हैं उसको हिंदी में, तुर्की। देखो ये हो जाएगा कौन सा हमारा, टर्की। और एक जो बचता है, देखो यहाँ टर्की हो गया, टर्की की कैपिटल है अकरा या अंकारा कह सकते हैं उसको, और इसका सबसे फेमस जो सिटी है ना वो है इस्तांबुल। इस्तांबुल, इस्तांबुल भी, इस्तांबुल दो भाग में बटा हुआ है, उसका छोटा हिस्सा कहाँ आएगा, एशिया में, और कुछ हिस्सा आएगा उसका यूरोप में। एक वहाँ जल संधि जाती है, स्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट उसको अलग करती है, नाम है उसका बोस्पोरस। देखो ये GS होती है, ज्योग्राफिकल टर्म होते हैं, प्लीज़ ध्यान रखना, स्ट्रेट या जल संधि जो दो लैंड को अलग करे, मतलब एक लैंड को दो भाग में बांट दे, उसे हम क्या बोलते हैं, जल संधि कहते हैं। बोस्पोरस है वो नाम जो इस्तांबुल को दो भाग में बांटती है, या ये कह सकते हो तुर्की को दो भाग में बांटती है। उसके बाद से टर्की के बाद जो बचता है सबसे नीचे में एक देश पड़ता है, अपने आप में महाद्वीप भी है, यू नो कॉन्टिनेंट है वो, देश भी है, क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो बहुत ईजी होगा देखो आपके लिए, तो सारे के नाम G20 के नाम है ना, आप बहुत इजीली फिंगर पे 2-4 बार देख लोगे ना तो याद हो जाएंगे ऐसे ही, है ना। तो ये पूरा का था यू नो, ये G8 हो चुका, एक बार मैं फिर बताना चाहता आपसे कि G8 में फ्रांस, इटली, जर्मनी, US, जापान और UK, उसके बाद कैनेडा आया, उसके बाद रशिया आया, 8 पूरे हुए, 5 बिक्स एम, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको। उसके बाद जो ये 6 हैं इन्हीं पे आपको फोकस रखना है बस, है ना, सिस अता, मैंने तो ऐसे याद किया था सिस अता के नाम से, सिस मतलब सऊदी अरब, इंडोनेशिया, और ऐसे कौन सा था, ऐसे कौन सा था, साउथ कोरिया, अता मतलब यू नो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, टर्की, और ऐसे कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया था। तो गाइस ये पूरे G20 हमने देखा और ये G8 देखा, बताना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत क्वेश्चन पूछता है, समिट पे प्लीज़ आप फोकस रखना और इसको ध्यान में देना क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा इसका फ़ायदा यह होता है कि हमारी ज्योग्राफी भी थोड़ी थोड़ी इनडायरेक्ट वे में अच्छी होती जा रही है ना, लोकेशन पता चलती है हमें कि
कि कौन सा देश कहाँ पड़ता है। तो ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत जल्द मुझे लगता है आज या कल में पूरा हो जाएगा। फिर एक हम नया सब्जेक्ट यू नो स्टार्ट करेंगे, मे बी ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ मैं आपके लिए। और अच्छे से पढ़ते रहें आप, कुछ अगर कमियाँ हैं हमें है ना द वे ऑफ टीचिंग, और या कुछ हमारा कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि क्योंकि यही तरीका है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।